हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लॉजिकल इक्विवेलेंस लॉज देखने वाले हैं। सो लास्ट की वीडियो में हमने इक्विवेलेंस का टॉपिक कवर कर लिया था। अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में डाउट है तो आप प्लीज हमारी पिछली वीडियोस को जरूर देखें, एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को और अच्छे से समझने के लिए हमारी वीडियो स्टार्टिंग से देखें। सो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लॉजिकल इक्विवेलेंस लॉज से। सबसे पहला लॉज यहाँ पे डिफाइंड है, विच इज डबल नेगेशन लॉ। अब डबल नेगेशन लॉ क्या है? ये कहता है कि अगर एक प्रपोजिशन है और वो नेगेटिव प्रपोजिशन है और सेम उसी के लिए हम नेगेशन लगा रहे हैं, एक प्रपोजिशन है जो कि एक नेगेटिव प्रपोजिशन है तो इसलिए हमने नेगेशन ऑफ पी लिखा है यहां पे, और सेम अगर आप उसी नेगेशन ऑफ पी के लिए एक और बारी नेगेशन लगा रहे हैं तो उसे हम डबल नेगेशन कहेंगे। तो वो डबल नेगेशन हमेशा इक्विवेलेंट होगा उस पी प्रपोजिशन के। अगर एक प्रपोजिशन पी के लिए आपके केसेस बनते हैं ट्रू और फॉल्स के, तो अगर ये ट्रू है तो ये मेरा अंदर वाला जो नेगेशन ऑफ पी है वो फॉल्स होगा, एंड जैसे ये फॉल्स हुआ तो इसके बाहर जो नेगेशन है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रू। तो ट्रू ट्रू इक्विवेलेंट हो गए, तो इसलिए ये पहला लॉ यहां पर डिफाइंड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डबल नेगेशन लॉ। सेकेंड इज आइडेम्पोटेंट लॉ। अब ये क्या है? अगर आप एक प्रपोजिशन है पी, देन दूसरी प्रपोजिशन नहीं है, ये भी सेम पी है, तो आप क्या कर रहे हैं यहां पे? पी पी के लिए ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि अगर मैंने पहले केस में पी को ट्रू लिया है तो इसको भी ट्रू लिया है, तो ये ट्रू ट्रू इस केस में एंड ऑपरेटर के साथ हमेशा आपको इक्वल्स टू पी ही मिलेगा, एंड सेम एज इट इज पी के लिए अगर कुछ केसेस है और पी इस पी के लिए भी वही सेम केस आपने लिया है और उनके बीच में आप और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी हमेशा इक्वल होगा पी के। तो ये हमारा हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। तो इसी तरह हमें दो प्रॉपर्टीज मिल गई यहाँ पे, एक डबल नेगेशन लॉ और सेकेंड आइडेम्पोटेंट लॉ। थर्ड हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ के। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? दो यहां पर आपको प्रपोजिशंस गिवन होगी, पी और क्यू। तो अगर पी और क्यू के बीच में आपने और ऑपरेशन परफॉर्म किया है एंड सेम एज इट इज क्यू और पी के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, एंड सेम एज इट इज वाइस वर्सा जब आपका और है एंड भी है एंड क्यू एंड पी है। तो इसे आप सॉल्व करके देखेंगे अपने एंड पर ट्रुथ टेबल वाइज, तो आपको मिलेगा कि ये प्रपोजिशन इसके इक्वल हो गई, तो इसलिए ये एक आइडेंटिटी बन गई। तो यहां पे हमने देखा कम्यूटेटिव लॉ, तो ये है कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। सो एसोसिएटिव लॉ यहां पे क्या है? पी और क्यू ब्रैकेट में है और आर इज इक्विवेलेंट टू पी और एंड ब्रैकेट में क्या है इस बारी? क्यू और आर। तो यहां पर हमें ये क्लियरली समझ में आता है कि जो ब्रैकेट में है अगर हम पहले उसको ही सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस लॉ, तो प्रेसिडेंस लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको पहले रिजोल्व करेंगे, तो इस केस में अगर ये रिजोल्व होगा एंड देन हम इसको बाद में रिजोल्व करेंगे मतलब टेबल वाइज टू टेबल वाइज, तो तब भी आपकी जो ट्रुथ वैल्यूज आएंगी वो सेम आएंगी इसके। तो ये है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव मतलब अगर आपको प्रपोजिशंस गिवन है तीन और कुछ इस तरीके की प्रपोजिशंस है वो, तो चाहे आप पहले इसको सॉल्व करो चाहे आप पहले इसको सॉल्व करो, वो हमेशा आपको ऑपरेशन एंड में जो आपके पास वैल्यूज आएंगी वो इक्वल रहेंगी। सेम एज इट इज एंड के केस में भी, अगर तीन प्रपोजिशंस है, अब पहली दो को आप पहले रिजोल्व कर रहे हैं एंड देन दूसरी लास्ट की दो को पहले सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन जो ये हमारे पास बनेगी आरएचएस वाले पार्ट में, तो उनकी ट्रुथ वैल्यूज भी आपको आगे जाके इक्वली मिलेगी। तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। एंड देन लास्ट आता है, लास्ट नहीं आपका ये, देन इसके एसोसिएटिव के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद हम और लॉज भी देखेंगे, लेकिन इसमें भी तीन प्रपोजिशन है पी क्यू एंड आर। पी सबसे पहले देखते हैं ब्रैकेट वालों को, क्यू एंड आर ये एक ऑपरेशन है एंड देन ये ब्रैकेट में सॉल्व हो रहा है किसके साथ? पी और क्यू वाले फॉर्म में। तो पी और क्यू इसको डिस्ट्रीब्यूटिव वे में देखेंगे कि हम कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो पी का पहले हम सॉल्व करेंगे क्यू के साथ, तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, पी और क्यू के बीच में, एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे पी और आर के साथ। तो इसके लिए जो पी के बाद आपका फॉर्म है विच इज आर, पी आर साथ में लिखे जाएंगे एक ब्रैकेट में, एंड ये जो हमारे पास एंड है इस एंड को आप मेनली रखेंगे यहां पे, एंड ऐसे ही पी के बाद और है और आर, तो ये हम अलग से डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं इन दोनों को। तो पी पहले इसके साथ रिजॉल्व हुआ फिर इसके साथ, तो इस तरीके से आपने इसको लिखना है। जैसे आपको ये लिखकर मिलेगा तो ये हमेशा आपको ट्रूथ वैल्यूज इक्वल देंगे। तो सेम एज इट इज यहां पर हमने और एंड का केस देगा, ऐसे ही एंड और के लिए भी रहेगा। सो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद आता है डी मॉर्गन्स लॉ पे। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर आप पी एंड क्यू के लिए नेगेशन फाइंड आउट करते हैं तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। एंड सेम एज इट इज अगर नेगेशन बाद में होगा, इससे पहले ब्रैकेट में पी और क्यू सॉल्व हो रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। तो आप देखेंगे ये यहां पर और ऑपरेशन है, तो यहां पर जैसे इसको हमने ओपन किया नेगेशन, तो यहां पर ये एंड है तो ये और हो गया, एंड ऐसे ही अगर ये और है तो ये एंड हो गया। तो ये हमने देख लिया डी मॉर्गन्स लॉ। इसके बाद आता है लास्ट इम्प्लीकेशन लॉ। इम्प्लीकेशन कहता है कि पी इम्प्लाइज क्यू को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो इम्प्लीकेशन में अगर आप देखोगे ये सॉल्व करके आपको सेम एज इट इज यही मिलेगा, तो ये इक्विवेलेंट हो गए। सो ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इन प्रॉपर्टीज को आज हमने देख लिया। अब इसके बाद हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। तो अब एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर टू है ये, शो दैट द लॉज गिवन इन ए सी अबव होल ट्रू। तो यहां पर आपने देखा अभी कि ए और सी, ए एंड सी दो लॉ आपको यहां गिवन है जिनको हम एज ए आइडेंटिटी आगे के लिए प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो इन दोनों को हमें ट्रू करके दिखाना है कि ये ट्रू है, एलएचएस मतलब इसके इक्वल है आरएचएस के। सो यहां पे वही करने वाले हैं, डबल नेगेशन ऑफ पी है ये, तो पहले हम पी के लिए ट्रूथ वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, ट्रू होगा एक बारी फॉल्स होगा, एंड नेगेशन ऑफ पी फाइंड आउट किया तो ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू, तो डबल नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स। तो आप देखोगे यहां पर फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम इक्वल हो गया, तो ये आपका ट्रू हो गया, मतलब ये इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। देन आता है सेकेंड इसका सी पार्ट, लॉजिकल इक्विवेलेंस लॉज का जो सी कम्यूटेटिव लॉ था उसको देखते हैं, पी और क्यू, क्यू और पी। तो पी के लिए ट्रूथ वैल्यूज आएंगी, आप देखोगे कि पी और क्यू है दो प्रपोजिशन है, तो टू टू दी पावर टू हो जाएगा, जिससे आपको कॉम्बिनेशन कितने मिलेंगे, फोर, तो इसलिए आपके फोर कॉम्बिनेशन यहां बनेंगे, फोर रोज यहां पे आ जाएंगी, ट्रू ट्रू, सॉरी पहले आप ट्रू ट्रू लिख लीजिए एंड देन फॉल्स फॉल्स, तो चार यहां पे रोज आपको मिलेंगी, चार इसके लिए मिल गए पहले के लिए। देन क्यू के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब पी और क्यू फाइंड आउट हम करने वाले हैं, सो पी और क्यू की प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे, तो पी और क्यू क्या कहता है कि जहां पर ट्रू ट्रू होगा वहां ट्रू होगा, एंड जहां ट्रू फॉल्स होगा वहां भी ट्रू ही होगा, सिर्फ फॉल्स फॉल्स के केस में फॉल्स होगा, अदरवाइज पी और क्यू हमेशा ट्रू होगा। सेम एज इट इज क्यू और पी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जहां जहां क्यू और पी फॉल्स होगा वहां सिर्फ फॉल्स होगा, अदरवाइज वो ट्रू होगा। तो इस केस में भी हमने देखा कि एलएचएस इक्वल हो गया आरएचएस के, ये दोनों भी इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। सो अभी हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री की, प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन हम अपने आने वाले ब्लॉक में कवर करने वाले हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें तीन प्रॉपर्टीज आती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये तीन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमें इनके बीच में रिलेशन दिखाना है कि ये दोनों रिलेट, इनके रिलेशन को हमें प्रूव करना है बेसिकली, लॉजिकल इक्विवेलेंस जो अभी आपने देखा कि इक्विवेलेंट क्या होता है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फॉर एनी थ्री प्रपोजिशन लेट से
पी क्यू आर थ्री प्रपोजिशंस। तो पहले के लिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए कि लॉजिकल इक्विवेलेंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको प्रूव करने के लिए हम पहला पी इक्विवेलेंट टू पी ले रहे हैं जो कि ट्रू हो जाएगा एंड विच इज अ केस ऑफ रिफ्लेक्सिव। तो यहां पर इसके लिए रिफ्लेक्सिव अभी हम नहीं समझ रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या है, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में अपना कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए इनके बीच में कैसे आपको रिलेशन प्रूफ करना है वो मैं आपको बताने वाली हूं। तो P इक्विवेलेंट टू P आप कर देंगे तो आपने क्या किया, लॉजिकल इक्विवेलेंस का भी यूज कर रहे हैं एंड रिफ्लेक्सिव की भी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है क्योंकि यहाँ पे सेट हम यूज करते हैं, लेकिन अभी हम सेट्स की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ये आगे आने वाले चैप्टर्स में करने वाले हैं। तो पहला हमने P इक्विवेलेंट टू P कर दिया जो कि ट्रू है, देन सेकेंड हमने देखा कि अगर P इक्विवेलेंट टू Q है देन Q भी इक्विवेलेंट टू P हो जाएगा जो कि सिमेट्रिक हो गया। देन थर्ड हमारा है P इक्विवेलेंट टू Q एंड Q इक्विवेलेंट टू R है, तो जब ये दोनों इक्वल है तो देन P इक्विवेलेंट हो जाएगा R के क्योंकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो इस अकॉर्डिंग अभी हमने सिर्फ प्रपोजिशन वाइज देखा क्योंकि हमें रिलेशन दिखाना है लॉजिकल इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंस रिलेशन के बीच में, तो यही हमें इसमें प्रूफ करना है। तो इस अकॉर्डिंग आपने ऐसा प्रूफ इसको करके देना है। तो ये प्रूफ कर लिया, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इसे कवर कर लेंगे इनका, और बेसिक हम देखेंगे किस तरीके से सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं इक्विवेलेंस रिलेशन में। सो अभी के लिए इतना ही एग्जांपल नंबर थ्री का, हम इसका आगे का एग्जांपल देखते हैं बुक का। सो यहाँ पर अगला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फोर है ये बुक का, चेक वेदर दिस प्रपोजिशन एंड दिस प्रपोजिशन आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो हम इसको बाय ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करके सॉल्व करके दिखाएंगे कि क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो पहले क्या है, पहली प्रपोजिशन है नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड देन सेकेंड है पी इम्प्लाइज क्यू। तो पहले हम क्या करने वाले, पी और क्यू के लिए कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। नेगेशन ऑफ पी क्या आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू क्योंकि इसका उल्टा। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे पहले प्रपोजिशन में नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो नेगेशन ऑफ पी क्या है, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू जब भी होगा एंड और ऑपरेशन इसमें है तो आपका हमेशा ट्रू आएगा, ट्रूथ वैल्यू, एंड फॉल्स फॉल्स के केस में फॉल्स आएगा, बाकी केस में ट्रू ही रहेगा। एंड पी इम्प्लाइज क्यू क्या कहता है कि आपका ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, बाकी केस में ट्रू ही होगा। तो हमें ये मिल गई ट्रूथ वैल्यूज इस प्रपोजिशन की एंड इसके लिए ये। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपकी इक्विवेलेंट हो गई दोनों। तो इस अकॉर्डिंग ये प्रपोजिशन और ये प्रपोजिशन लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो ऐसे हमने क्वेश्चंस को करना है जब भी आपको इसमें गिवन होगा कि लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछा है कि किस तरीके से लॉज पूछे हैं, वो सब आपको यहां पर इस तरीके से परफॉर्म करना है। आगे आने वाली वीडियोस में हम और कवर करेंगे कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू। तो हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।